हम कुछ इस तरह का बैटमैन वर्सेस फ्लैश का ये सीन क्रिएट करने वाले हैं, वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन की मदद से कैपकट एप्लीकेशन का यूज करके। और अगर आप कैपकट एप्लीकेशन का यूज नहीं करते, किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो भी आप उसकी मदद से भी कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। बस आपको एडिटिंग प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा कि कौन सा टूल कहाँ पर यूज हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सीन कुछ इस प्रकार से शूट कर लेंगे और दूसरा सीन कुछ इस प्रकार से। दोनों सीन शूट करने के बाद कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो मैंने इस वीडियो एडिटिंग प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इससे आपको एडिटिंग अच्छे से समझ में आ सके। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे वीडियो को ऐड करना है और कहाँ कहाँ पे वीडियो में कट लगाना है, किस पार्ट को स्पीड अप करना है, किस पार्ट की स्पीड को डाउन करना है। और दूसरे पार्ट में देखेंगे कि बैटमैन का लोगो हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने वीडियो में। और तीसरे पार्ट में देखेंगे कि लाइटनिंग इफेक्ट कैसे डालेंगे अपने वीडियो में। और चौथे पार्ट में देखेंगे कि कलर ग्रेडिंग कैसे करना है ताकि हमारा वीडियो रियलिस्टिक लग सके थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। वीडियो को ऐड करने के लिए यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे प्लस वाले आइकन पे और यहाँ से अपना दोनों वीडियो इम्पोर्ट कर लेंगे। दोनों वीडियो इम्पोर्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हम लोग को वीडियो शो होगा यहाँ। और यहाँ से अब एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके डिलीट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करने के बाद यहाँ पर पहला कट लगाएंगे जहाँ हाथ एकदम सामने होता है, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। और दूसरा कट जब हम घूमना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर एक कट लगा देंगे यहाँ पे। कट लगाने के बाद जो सेकंड वाला पार्ट है इस पे टैप करेंगे और इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे 1.4 के आसपास। और दूसरा वाला जो और थर्ड वाला जो क्लिप है इसकी स्पीड को डाउन कर देंगे थोड़ा। स्पीड डाउन करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा मेक इट स्मूदर, तो यहाँ इस पे टैप करेंगे और यहाँ बेटर क्वालिटी ऑप्शन को चूज करके सही वाला निशान पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारा वीडियो एकदम स्मूथ चलेगा। ना करने के बाद अगले वाले पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट में हम लोग बैटमैन का लोगो ऐड करेंगे। इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ ओवरले पे टाइप करेंगे ऐड ओवरले पे और यहाँ से बैटमैन का लोगो ऐड कर लेंगे। लोगो ऐड करने के बाद इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद इस पार्ट को हम लोग यहाँ से रखेंगे यहाँ पे जहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे। इतना करने के बाद इस वाले लेयर की स्पीड को हम लोग बढ़ा देंगे 5x के आसपास। इतना करने के बाद जहाँ सेकंड वाला वीडियो क्लिप ख़त्म होता है वहाँ पर एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद सेकंड वाले पार्ट का स्पीड वापस जैसे था वैसे कर देंगे। इतना करने के बाद जो पहला वाला पार्ट है इसमें यहाँ दोबारा टैप करेंगे और लास्ट वाले पॉइंट पे क्रोमा की ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ, इसको ऐड कर इसको फर्स्ट वाले पार्ट को फिर से दोबारा टैप करेंगे और यहाँ पर एक क्रोमा की लगा देंगे और दोबारा इस स्टार्टिंग पार्ट पे आएंगे इससे और इसको हाथ के पास ले जाके छोटा कर देंगे एकदम। इस तरह छोटा करने के बाद सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे और सेकंड वाला पार्ट जहाँ तक ये वीडियो है वहाँ तक रखेंगे, उसके बाद वाला पार्ट डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ एक दूसरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करेंगे। इसमें जब ये बैटमैन का लोगो फुल लिखना चालू हो जाता है उसके पहले वाला पार्ट कट करके डिलीट कर देंगे और इसको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आएंगे वीडियो के यहाँ। इतना करने के बाद इसके भी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे अपने आंखों के हिसाब से
क्रोमा की का यूज करके। कुछ इस प्रकार से इसके बाद एक लास्ट वाला पार्ट कट करके डिलीट कर देंगे। लाइटनिंग इफेक्ट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखेगा हम लोगों। इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे इसमें से और लाइटिंग वाले पार्ट को भी जहाँ से ग्रीन स्क्रीन का वीडियो स्टार्ट होता है वहाँ पर रख ले जाके रख देंगे, वहाँ से इसको भी स्टार्ट करेंगे और इस वाले वीडियो को ऐसे रोटेट करा के फुल स्क्रीन कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ आपको नीचे ब्लेंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करेंगे और फिल्टर वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ लास्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर देंगे। अब लास्ट वाले पार्ट में हम लोग कलर एडजस्टमेंट देखेंगे, तो इसके लिए यहाँ एडजस्टमेंट का ऑप्शन एक दिख रहा होगा आपको, इस पर टैप करेंगे और यहाँ से ब्राइटनेस को घटा देंगे थोड़ा और एक्सपोजर को भी घटा देंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद इस वाले लेयर को खींच करके एंड तक कर देंगे और स्टार्टिंग में स्टार्टिंग को थोड़ा सा खींच करके दूसरा पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर ले जाके रख देंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग अपने वीडियो में आइडियो को ऐड कर लेंगे और हमारा वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। आइडियो ऐड करने के बाद वीडियो कुछ इस प्रकार बनके तैयार हो जाएगा हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।